सबसे पहले हम लोग कलर चेंजिंग रिएक्शन करेंगे, जिसे गिरगिट अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरगिट अभिक्रिया। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करें बता रहा हूँ। ये इनो नहीं है, ये KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें मैंने रखा है। तो इसके अंदर KNO4 है, एक बिलियन इसका हम बनाएंगे। वो KNO4 के कलर का होता है बैंगनी रंग, कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है। तो पहले हम KNO4 का क्या बनाते हैं? बिलियन बनाते हैं, और उस बिलियन में जब हम ये साइट्रिक एसिड डालेंगे तो बिलियन का कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। तो आइए देखते हैं। तो ये हमने लिया ग्लास, खाली है, देखने से नहीं अच्छा दिखता है इसमें। कैसे कलर चेंज होता है? जैसे जादूगर ट्रिक दिखाते नहीं है कि ये कलर था, ये ऐसे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो कुछ यही केसन होती है। तो सबसे पहले इसमें हम वहाँ पर पानी ले रहे हैं, ये पानी है। ठीक है, तो ये हमने इसमें क्या लिया? पानी। बिल्कुल साफ देख रहे हैं, आरोप का नहीं है, नॉर्मल है, हैंडपंप का है। ठीक है, अब इसमें हम क्या डालेंगे? KNO4 पाउडर डालेंगे। ये हमारे पास क्या है? KNO4 अंदर है ना, डिब्बे के अंदर है, उसमें नहीं है, ग्लास है। अच्छा, ग्लास में पानी है ना, तो अब दिख रहा है। ठीक है, अपना दूर है, आगे भी कुछ और चीज देखने हम लोग। ठीक है, सुनते हैं। अब देखिए, ये जिसमें हमने क्या डाला, आप लोग कलर देखते हैं, कलरफुल हो गया ना। होली में इससे आप लोग खेल भी सकते हैं। सरबत बन गया है। ठीक है, कलरफुल डू आप जाओ। और काफी टेस्टी सर्वर था ये, तो अच्छा लग रहा है ना काफी। रेडी है? देखो, अब इसके साथ हम लोग जादू वगैरह करेंगे, राइट ना, और इसका रंग क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास? साइट्रिक एसिड। आप नींबू यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या यूज करेंगे? नींबू। अब देखो इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? साइट्रिक एसिड डाल रहे हैं, नींबू के रस में जो होता है, ये समांतर नींबू का रस ही है। थोड़ी देर में ये मैंने डाला इसमें नींबू का रस, सुन रहे हैं कि कहीं गलत चीज तो नहीं आ गई। तब इसमें क्या करेंगे? घुमाएंगे। समय लगेगा थोड़ा सा और डालते हैं, इतना तेज नहीं इसलिए कलर चेंज करना, थोड़ा सा समय लगेगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए, हो गया ना। मैं इसको मैजिक डालता हूँ, हो गया ना, देखिए चेंज हो गया ना, राइट। ये कमाल था रिएक्शन की भी, इसके पीछे क्या हुई? रिएक्शन हुई। एसिड ने KNO4 से रिएक्शन किया, जो आयन बने उनका रंग क्या था? ग्रीनिश है, येलो और ग्रीन का मिक्सर, ठीक है ना। तो इसका कलर चेंजिंग रिएक्शन आप देख सकते हैं आसानी से, इसका रंग क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, अब कुछ और देखेंगे। ठीक है, लीजिए आप सर्वर। अब कुछ अलग देखेंगे। अब सर्वर आपको को चाहिए? सर्वर मैं लाया हूँ। अरे नहीं नहीं रखता हूँ, देख लेना आपको। और उसके बाद क्या होगी? रिएक्शन होगी इसमें HCl के साथ, और क्या बनेगा? HCl2 और हम प्लस टू से जब तक से देखें, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी, मूव होगी, जिसको हम इसकी मदद से इस गुब्बारे में क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रयास किया गया है कि लीक ना करे, थोड़ा बहुत लीक हो सकता है, नहीं देखते। तो ये हमने डाला इसमें एमोनियम, अगर आप देखें तो ये देखिए गैस बनना शुरू हुई, इसमें गैस इकट्ठा हो रही दिखता है आपको। ये कौन सी गैस इकट्ठा हो रही है? हाइड्रोजन। ये बहुत तेज गैस हो रही है, गर्म हो गया है, फट भी सकता है, कोई दूर तक जाता हूँ।
माचिस दीजिए। अंडे काफी तेज हैबिट बन रहा है, तेज ना जले। तो नहीं कोई बात नहीं, हाइड्रोजन है काफी तेज जलेगा। जरा ना निकल। अच्छा हम भी देख सकते हैं मोमबत्ती। कॉपर सल्फेट है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में हमारे कॉपर के आयन होते हैं, ये क्या है? CuSO4। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? कॉपर टू धनायन प्लस SO4 टू धनायन। तो इसको जब कॉपर सल्फेट को विलयन में घोलेंगे तो कॉपर टू धनायन में क्या होगा? ये टूट जाएगा। और कॉपर टू धनायन को जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर से किसमें दबित हो जाएगा? कॉपर में, ठीक है? तो अर्थात हमें जिस पे हमें मान लीजिए हम इस चम्मच या स्पून पर हम लोग तांबे की परत चढ़ाएंगे, इसकी परत चढ़ाएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होती है, समय लगता है, ठीक है? तो इसमें हम माइनस देंगे, क्या देंगे? माइनस देंगे, तभी तो कॉपर इसमें आ जाएगा ना। इस पे हम क्या देंगे? माइनस देंगे। और माइनस जाएगा जब विलयन है, माइनस या कॉपर के पास जाकर इससे क्या जमेगा? कॉपर जमेगा। क्या जमेगा? कॉपर जम जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखो, ये मैं इस पे ग्रीन वाले वायर से माइनस दूंगा और येलो वाले से प्लस, प्लस पे मैं कॉपर की छड़ को टेप कर रहा हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें, ठीक है? और उसके अलावा जो हम लोगों ने हाइड्रोजन बनाया था वो भी क्या थी? विस्थापन। दोनों को दोनों टच नहीं होने चाहिए, ठीक है? बीच कुछ दूरी रखी जाए, तो हम लोग शरबत भी बनाएंगे, ठीक है? पहले इसलिए काम पे लगा देते हैं, काम होता है देखिए एसिड इसको थोड़ा दूर रखते हैं, खराब हो सकता है। तो इसलिए हम लोग दोबारा अब ध्यान दीजिए, ये दो सिरे हैं, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे। ये 9 वोल्ट की बैटरी होती है, तो माइक में रखती है, आसानी से मिल सकती है आपको। इसमें एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस। ये वाला प्लस है, प्लस हम बताइए किस पे जोड़ेंगे? हाँ, पीले वाले पे क्या जोड़ना है? पॉजिटिव जोड़ना है। ये पॉजिटिव रहा, ये उसका प्लस नहीं। कैमरा नहीं, कहाँ गया? ये रहा। ये अब क्या डाल रहे हैं इसमें? हम एसिड डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? एसिड डाल रहे हैं। एक स्पून तो मैंने खराब किया, मैंने घर से चुरा के लाया, लेकिन अभी मुझे डांटेंगे। तो रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, आप पास से देखेंगे तो इसमें बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। हाँ अभी वो हो जाएगा सही। तो देखिए अब इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में, ये कॉपर सल्फेट का विलयन हुआ, कॉपर टू धनायन और SO4 टू धनायन में टूट गया, और वहां पे कॉपर टू धनायन है, उसको हम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन दे रहे किससे बदलेगा? ये कॉपर का इसकी शर्त नहीं हो पा रही है, इसको देखते हैं। तो देखिए अब हमारा, हम इसको देखते हैं, इसमें काफी समय हो गया है, तो देखा गया। अच्छा ये देखिए, हमारा एसिड जो था वो येलो कलर का था, लेकिन ये अब इसका हरे कलर का क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है? ग्रीन या नीला होता है। नीला कॉपर सल्फेट होता है, लेकिन इसका विलयन कैसा होता है? हरा होता है। और खास बात, इससे अगर कॉपर को हम जलाएंगे तो हरे कलर में जलता भी है, ठीक
ठीक है ना। अच्छा दोनों टच हो जाएगा, मतलब बैटरी शॉर्ट सर्किट होगी, ठीक है। तो टच नहीं होना चाहिए, बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और बैटरी आपकी फट सकती है, ऐसा नहीं करना है। तो इतना काफी हो गया है, हमारा तांबे का चम्मच तैयार है, देखने के लिए इतना काफी है, इतना तो पहचान है ना। देखिए कितना, देखिए तांबे का चम्मच हो गया नहीं हो गया, जीते तो ऐसे में था, इतना जल्दी नहीं छूटेगा, वो पक्का हो गया, ठीक है ना। देखो इसमें से कॉपर क्या हो गया, कम हुआ, इसमें कॉपर जम हो गया। तो इसी प्रकार हम एक बर्तन पे दूसरे बर्तन की परत चढ़ा सकते हैं, या एक आभूषण पे दूसरे आभूषण की, चांदी पे सोना चढ़ाना हो या जो होता है ना, सभी बर्तन सोने से कॉपर का हमारा बर्तन हो गया। अब इसको हम तांबे का बना के भेज देंगे इस चीज का, ठीक है। ज्यादा और थोड़ा सा गेम खेलते हैं इसके साथ, छोटू डालते देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। बबल बनेंगे तेजी से, समझ रहे हो, ज्यादा गिरिया जल कर नीचे क्या होगी, बैठ जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, शुगर अलग हो जाएगा, ये गर्म हो गया होगा, हाँ हल्का सा टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस क्या होती है हमारी, उसमें छिपी होती है, इसमें उसमें रिलीज होती है। तो देख रहे हैं अब ये नीचे देखिए चीनी का पूरा बच्चा क्या हो गया, नीचे जल कर बैठ गया, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा बदल गया, नली का पानी हो गया, ठीक है। इतना अब हाँ इनके कारण सब खत्म हो गया, हम सोच रहा कि ये देखो चलिए अब आग लगाई जा रही है, चलिए देखो एक सौ होता है देखिए हाइड्रोजन चल रही है, क्या चल रही है, हाइड्रोजन चल रही है, ठीक है ना। हाँ पानी में हाइड्रोजन ऊपर है, वो हाइड्रोजन चल रही है, देखिए कितने साइड से नहीं हो रही है, जब तक वो पूरा हाइड्रोजन नहीं जलेगा, और नीले कलर की अच्छी सी गैस है, तो फ्यूचर था इधर हमारा, ये तो घर में गैस खत्म हो जाए ऐसे ही चलाएंगे।